ओम प्रकाश एक कंफ्यूज नेता हैं देखिए, और फैसला करने की क्षमता ताकत उनके पास नहीं है। तो महाराजा सुहेलदेव का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी ने किया ही नहीं, और आप जिनका नाम ले रहे हैं वो तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ, मैं इसीलिए तो उनका नाम असलम राजभर रख दिया, महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ समझौता, ओबैसी को लेकर सैयद सलार मसूद के मजार पर पहुंच गए चादर चढ़ाने। तो गाजीपुर की जनता है, पूर्वांचल की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता है, मैं कई दिनों से यहाँ के गांव में मैं घूम रहा हूँ, लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के शौर्य दिवस, उनके विजय दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर यहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। उस मूर्ति अरविंद केजरीवाल लाख प्रयास कर ले, पीछे 9 बरस में हम सब लोगों ने देखा है, और मैं विपक्ष के उन साथियों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं कि सरकार ने जब कोई फैसला किया है तो एक सकारात्मक सोच के साथ, हमारे कई विपक्ष के साथियों ने भी सरकार का समर्थन किया है। अरविंद केजरीवाल जी का प्रयास निरर्थक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अखिलेश जी समर्थन पहले भी कई मुद्दों पर कर चुके हैं, वो आगे भी करेंगे, और अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी से हम लोग सकारात्मक फैसलों की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जी की जोड़ी भी कुछ नहीं कर सकती। जागरण यात्रा करके निकाल रहे हैं और उनका लोगों कार्यकर्ताओं पर आ रही है बड़ी। नहीं, वो करें, बहुत अच्छी बात है, कम से कम ट्विटर से और सोशल मीडिया से बाहर निकलने का फैसला अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है तो अच्छा है, जनता के बीच में जाएं, कम से कम जो सरकार काम कर रही है उसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी, और जनभावनाएं जो होती हैं कम से कम उसके बारे में उनको पता लगेगा। तो वो निकल रहे हैं, अच्छी बात है, सोशल मीडिया से हम लोग तो बहुत दिन कहे कि एक अच्छा विपक्ष हो भी होना आवश्यक है डेमोक्रेसी में, और आप ट्विटर ट्विटर खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पर राजनीति कर रहे हैं, आप उससे बाहर निकलिए, सड़क पर जाइए, जनता के बीच में जाइए, और तब पता लगेगा कि मोदी जी ने क्या काम किया है और योगी जी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या काम किया है। तो अच्छा है, उनको आना चाहिए जनता। नहीं देखिए, महापुरुषों को बांटने का ये जो फैशन विपक्ष ने बनाया है ये बहुत ही गलत है। जिन लोगों ने भी देश के लिए लड़ाई लड़ी है वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से, हम लोगों के दृष्टि से वो पूजनीय हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, और आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जानें, ये सरकार का भी काम है और समाज का भी काम है। हमारी जो समृद्ध विरासत रही है उस विरासत से परिचय कराने का दायित्व हमारा है आने वाली पीढ़ी के साथ, तो ऐसे महापुरुषों के जीवनी को तो शामिल करना ही चाहिए, आने वाली पीढ़ी को तो हमें बताना ही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।